गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी किड एजुकेशन हब में आपका स्वागत है और हम नलन टैंकी के ये लास्ट पार्ट है, तो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 21 तीन नलों की त्रिज्याएं 2 एक से 1/2 और 3 सेंटीमीटर है। तो नलों की त्रिज्या आपको पता ही होगी, है हमारी नल है तो ये इसकी रेडियस, ठीक है। तो रेडियस जितनी ज़्यादा होगी, जितनी उसकी क्षमता ज़्यादा होगी, उतना उससे पानी बाहर निकलेगा ना, ठीक। तो इसने दे रखा है कि इन नलों में बहने वाले पानी की मात्रा त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, ठीक है। सबसे पहले तो त्रिज्या लिख लेते हैं तीनों, 2 एक सही 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 और ये आ गया 3, तो इसको लिख लेंगे 4, 3 और 6, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो पानी की मात्रा है यानी कि एक तरह से क्षमता है, वो इसके स्क्वायर के वर्ग के त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। तो 16 हो गया, ये 9 हो गया और ये हो गया 36, ठीक है। तो बस अब हमें क्षमता मिल गई भाई, हमारी क्षमता कितनी है 16, 9 और 36, ये हमारा हो गया ABC, ठीक है। दोस्तों तीन नल मिलकर इस टंकी को 18 मिनट में भरते हैं, तो एक मिनट के अंदर हम कितना भर रहे हैं, एक मिनट के अंदर हम भर रहे हैं 61, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 61 आ जाएगा, ठीक है। तो 18 मिनट में कितना भर देंगे, 18 × 61, तो सबसे पतला नल, देखो दोस्तों सबसे पतला नल तो यही है ना, बीच वाला बी, तो इस टंकी को भरने में कितना टाइम लगाएगा, तो 18/61/9, तो कितना आ गया 122 मिनट। अगर क्वेश्चन होता कि सबसे जो मोटा नल है वो कितनी देर में भरेगा सबसे, तो ये हमारा 36 आ जाता नीचे, 18/36, 18 × 61/36, तो आ जाता है 61/2 मिनट के अंदर हम भर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन में, एक नल एक टंकी को, ये हमारी अलग टाइप का क्वेश्चन है, उससे ऊपर वाला भी अलग टाइप का था ना, एक नल एक टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल बी ए और बी ये 30 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी 50 लीटर पर आर में पानी भरता है। देखो ये 50 लीटर पर आर में पानी भरता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 50 घंटे में पानी भरता है, तो यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे 50, यहाँ पे देखो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है, तो ए प्लस बी 12 घंटे में भर जाती है। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे हमेशा वो लिखते हैं कि कितनी देर में कौन काम कर रहा है, यहाँ पे क्षमता और यहाँ पे पूरा काम लिखते हैं, तो इसकी यूनिट ही नहीं है लीटर पर आवर, यहाँ पे लिख ही नहीं सकते, ठीक। इन दोनों का यहाँ पे हम आ जाएगा 60 आ गया, 30 × 60 = 12, 5 = 60, तो हमें ए की क्षमता पता चल गई, ए एक घंटे के अंदर कितना भरता है, घंटे के अंदर भाई ए अगर 2 है तो बी कितना हो गया 3, तो 60/3 करेंगे तो कितना आ गया 20, यानी कि जो अगर बी अकेला टंकी को भरने लगे तो उसे 20 घंटे लग जाएंगे, और वो 50 लीटर पर घंटे में पानी बाहर निकाल रहा है, तो पूरी टंकी कितने देर में भरेगा, बी बराबर में 50 × 20, यानी कि 600 लीटर की हमारी टंकी है। इस तरह क्वेश्चन के अंदर टंकी की वो क्षमता पूछेगा कि भाई टंकी कितनी लीटर की है, तो सिंपली हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों चलते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन पे, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 और 20, ए बी 15 और 20 में भर सकते हैं, तीसरा नल भी आ गया यहाँ पे सी, अब उसका बता दिया कि लीटर पर आर कितना निकाल रहा है, 50 निकालता है, और तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी हमारी भर जाती है, ए प्लस बी प्लस सी कितने 5 घंटे भर जाती है, तो तीनों का एलसीएम लिख देंगे यहाँ पे, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो 20 दिया 15 चौक और यहाँ पे कितना आ गया 12, देखो ए प्लस बी कितना है हमारे पास 7 है, तो सी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो सी की अकेले की अगर हमें निकालनी है तो सी देखो दोस्तों यहाँ 5 हो जाएगा। ये इस तरह क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, कार्य और समय के अंदर, तो यहाँ पे कितना आ गया 12, तो जो हमारी सी की क्षमता क्या है, 12 उसकी क्षमता है कि एक घंटे के अंदर कितना पानी बाहर निकालता है, 12 निकाल सकता है ना, 12 निकाल सकता है नहीं है, ये 12 घंटे के अंदर अगर सी अकेला काम करने लगे एक घंटे के अंदर तो 5 निकाल सकता है वो, लेकिन वो 12 घंटे के अंदर पूरी टंकी भर सकता है, ठीक है। तो 50 लीटर पर आर के रेट से अगर वो पानी बाहर निकाले तो कितनी देर के अंदर भर देगा वो, बाहर भरे तो 12×5 = 60, यानी कि 600 लीटर की हमारी क्या है टंकी है, ठीक है। दोस्तों आज थोड़ा सा फास्ट हूँ क्योंकि हमारा लास्ट पार्ट है, आज हमें खत्म करना है, इसके अंदर 5-6 क्वेश्चन है, फटाफट निपटाने हैं। आपको अगर समझ में ना आए तो पिछले एक बार फिर से उसको रिवर्स करके सुन लेना, एक नल एक टंकी को क्रमशः 10 में भर सकता है, बी 50 लीटर पानी भर सकता है, दोनों नल एक साथ खोल दिया तो पूरी टंकी 15 घंटे में खाली हो जाती है, इस बात पे ध्यान देना यहाँ पे क्या है, खाली हो जाती है, वहां पे क्या था भर, तो यानी दूसरा नल है वो खाली करने वाला है, तो यहाँ 15, तो यहाँ पे कितना आ गया 30, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ये क्या एक तरीके से खाली हो रही है, तो हमारी टंकी तो -2 है ना, यानी ए माइनस बी बराबर में -2, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, माइनस बी बराबर में -2, तो बी को उधर लेके जाएंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई दोस्तों, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब पानी बाहर निकाल रहा है तो उसको ये -2 लेना है ना, पानी यानी पानी बाहर निकाल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बी बड़ा होना चाहिए,
कहीं आप ये गलती ना कर दो कि यहाँ पे भाई ए तीन है तो हम बी एक ले लेते हैं, ऐसा नहीं। बी एक लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि टंकी हमारी भरेगी, वो तो कभी खाली नहीं होगी ना। जो खाली करने वाला नल है वो बड़ा है, पांच है, भरने वाला तीन है, तभी तो टंकी खाली होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है हमें, यहाँ पे इस बात को जरूर जरूर ध्यान रखना है। तो अब इसका ये निकाल लेंगे, तीस को अगर अकेले करना लगे तो कितने में करेगा, छः पर उसमें पानी बाहर निकालेगा, छः घंटे के अंदर यानी भर सकता है इस तरीके से, भर सकता है। तो अब टंकी हमारी कितने लीटर की हो जाएगी, 50 लीटर पर आर गुणा में 6, तो कितना आ गया 300 लीटर की हमारी टंकी हो जाएगी। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना है, इसके अंदर यही मिस्टेक हो जाती है कभी कभी बच्चों से। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ए बी हमें दे रखा है 8 मिनट और 10 मिनट और ए प्लस बी माइनस सी हमें दे रखा है 40 मिनट। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 40 8, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया और ये 1 आ गया। ये भी एक तरीके से माइनस वन है क्योंकि टंकी हमारी खाली हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही निकालेंगे, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू में माइनस वन, यहाँ पे दोनों की वैल्यू रखेंगे तो 9 माइनस में सी बराबर माइनस वन, इसको उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने ये समझाया था, अगर देखो यहाँ पे 9 है तो तुम सोचोगे कि भैया सी की वैल्यू 8 हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि टंकी खाली हो रही है, वो 9 से बड़ा होना चाहिए, 9 से बड़ा यानी कि 10 होना चाहिए। ठीक, तो 40 बटे में 10 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, यानी सी की पर घंटे की क्षमता पानी बाहर निकालने क्या है 4, तो टंकी कितनी देर के अंदर हो जाएगा, टंकी की क्षमता क्या हो जाएगी 16 लीटर की हमारी टंकी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, एक टंकी में 8 नल लगे हुए हैं, इसमें से कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। जो प्रत्येक भरने वाला नल है वो 12 में पानी भरता है और जो खाली करने वाला है वो 36 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 12 36 36 36 माइनस वन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाली करने वाले नल हैं वो हमें पता नहीं है कितने हैं, लेकिन ये तो पता है कि 36 के रेट से पानी बाहर निकालता है, 36 घंटे के अंदर खाली कर सकता है, रेट तो उसका माइनस वन ही है, माइनस वन के रेट से पानी बाहर निकलता है। ठीक, तो अब देखो 8 हमारे टोटल नल है, इसमें से कुछ खाली करने वाले हैं तो 8 माइनस एक्स हमने मान लिया। ठीक है, अब देखना सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 3 घंटे में खाली 3 घंटे में भर जाती है, तो 1 घंटे के अंदर कितनी भर रही है वो, भाई 36 हमारी पूरी है, पूरी टंकी 36 की है, 3 घंटे में भर जाती है, अगर सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे के अंदर कितनी भर रही है वो 12, तो 1 घंटे का हिसाब किताब लगाते हैं। देखो ये वाली जो चीज़ है वो सारी 1 घंटे का हिसाब किताब ही है ना, 3 माइनस में एक्स माइनस में 8 माइनस में एक्स बराबर में 12, 12 यहाँ पे क्यों लिखा मैंने, 36 बटे में 3 1 घंटे का, और 1 घंटे के अंदर ये कितना भरेंगे भरने वाले नल, 3 गुणा में एक्स, एक्स नंबर ऑफ नल्स और 3 भर रहे हैं वो, खाली करने वाले माइनस वन और 8 माइनस एक्स, तो यहाँ माइनस वन है यहाँ पे। ठीक, 3x माइनस में 8 प्लस में x इक्वल टू में 12, इसको इधर लेके जाएंगे तो 20 हो गया, यहाँ 4x हो गया, x इक्वल टू में कितना आ गया 5, 5 नल है हमारे भरने वाले और खाली करने वाले कितने हो गए 3 हो गए, क्योंकि टोटल 8 है ना, ये खाली करने वाले। बस इसमें इस इक्वेशन को समझने की जरूरत है, देखो 1 घंटे के लिए हमने पूरी इक्वेशन बनाई है तो 3 घंटे के अंदर भर जाती है, तो 1 घंटे के अंदर कितनी भरेगी 36 बटे में 3 यानी कि 12। ठीक है, और 12 भरेगी, और ये किस हिसाब से भर रही है, 3 भरने वाले नल, 3 प्रत्येक नल 3 पानी भरता है तो x कितने भरेंगे 3x, माइनस वन पानी बाहर निकालते हैं तो माइनस इंटू में 8 माइनस x, यहाँ से x को निकाल लेंगे सिंपल। ठीक, अब करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक नल, ये क्वेश्चन हमारा इस बार हरियाणा क्लर्क के अंदर आया हुआ था, लगभग पूरा सेम ही क्वेश्चन था ये। ठीक है, एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, तो यहाँ पे एक ही नल एलसीएम हो गया और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, जब टंकी आधी भर जाती है, अब 6 घंटे के अंदर कोई टंकी भर रही है तो आधे यानी आधी टंकी कितने घंटे में भरेगी, सीधी सी बात है 3 घंटे में भरेगी, आधे घंटे में भर जाती है तो वैसे ही 3 नल और खोल दिए जाते हैं, 3 नल और खोल दिए 1 1 1। अब देखो 1 घंटे के अंदर हम कितना भर रहे हैं, 4 भर रहे हैं ना भाई, 4 भर रहे हैं हम 1 घंटे में, 1 घंटे में तो 3 कितना भरेंगे, 3 की बात कहां से आ गई भाई, 3 घंटे के अंदर हमने कितना भरा, 3 ही तो भरा ना, क्योंकि आधी टंकी भरी है हमने, पूरी टंकी 6 की है, 3 भरा हमने 3 घंटे में, तो बाकी का 3 भरने में कितना टाइम लगेगा, 1 बटे में 4 गुणा में 3, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे मिनट बनाने के लिए तो कितना आ जाएगा 45 मिनट, यानी पूरी टंकी कितने में भर जाएगी 3 घंटे 45 मिनट। पहली आधी टंकी भरने में हमें 3 घंटे लगेंगे, दूसरी आधी टंकी भरने के अंदर हमें कितना टाइम लगेगा 45 मिनट, तो 3 घंटे 45 मिनट में हमारी टंकी भर जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आया हुआ था रिसेंट एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा नल टंकी खत्म हो चुका है, इससे अगला
हमारा प्रतिशत आएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी कीड़ा। थैंक यू।